bad is this? This is the camera. You want me to take a photograph? Yes, Kayo? Skyu's a strong girl. Skyu will be okay. You want me to take a photo of you? I think couple of days, 5-6 dinon se, I have been having like the worst days of this month or of this year because Skyu bimar hai, and anyone who has kids, who's a parent, knows how exactly pathetic it feels being a mother and father if your little baby is sick. Yes, मेरा बाबू. तो स्कायो एक्चुअली मंडे स्कूल गई थी एंड देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्कूल सेइंग दैट उसका टेम्परेचर लिया तो शी हर टेम्परेचर इज क्वाइट हाई. आई थिंक शी इज ऑलमोस्ट गॉट 99.7 डिग्रीज. तो हमको लगता है कि इसका फीवर है तो आप इसको आके लेके चले जाओ. दैट्स व्हेन आई एक्चुअली टोल्ड निखिल कि मुझे लगता है कि स्कायो को फीवर आ रहा है. बट द निखिल टोल्ड मी शानस तो बहुत ज़्यादा सोच रही, फीवर नहीं आ रहा है शायद, लेट्स जस्ट लीव हर टू स्कूल. एंड देन स्कूल जाते ही इन 15 मिनट्स वी गॉट अ कॉल एंड वी हैड टू गेट हर बैक होम. एंड उस दिन के बाद से शी गॉट रियली रियली सिक. लाइक आई थिंक जो वायरल चल रहा है फिलहाल एयर में उसकी वजह से उसको बहुत ही गंदा वायरल फीवर हो गया. फर्स्ट 3 डेज उसका फीवर इतना बुरा था कि वो बार बार दो दो घंटे में फीवर आ रहा था जा रहा था. इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट टचिंग 102 एंड देन कमिंग डाउन. बट देन फाइनली आफ्टर 3 डेज उसका फीवर कम हो गया आफ्टर गोइंग टू द डॉक्टर और टेकिंग मेडिसिन. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. लेकिन उसके बाद और एक चीज़ वर्स हो गई. लाइक आई डोंट नो हाउ ऑल ऑफ अ सडन उसको सिर्फ सर्दी थी और डॉक्टर ने भी बोला था शी डजंट हैव एनी थ्रोट इन्फेक्शन, देयर इज नो कॉफ और एनीथिंग, जस्ट दैट उसके नाक का जो पूरा कोल्ड है कंजेशन है वो जाके सीधा गले में लगता था. दैट्स वाई शी इज़ कॉफिंग समटाइम्स. लेकिन जैसे उसका फीवर गया हर कॉफ बिकेम सो वर्स दैट जब फीवर था तो नॉर्मली लाइक वी वर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स. लेकिन दवाई देके वो सो जाती थी फिर हम भी सो जाते थे. बट विथ कॉफ वो कंटिन्यूसली कॉफ कर रही थी थ्रू द नाइट एंड उसको पेन में देख के आई थिंक आई हैव बीन सो स्ट्रेस्ड. एस्पेशली लास्ट नाइट वॉज लाइक अ फिफ्थ नाइट ऑफ हर बींग सिक एंड उसका कॉफ इतना वर्स हो गया. दिस इज द फर्स्ट टाइम शी एवर गॉट कॉफ इन हर लाइफ. तो इतना बुरा हो गया कि शी कुडंट स्लीप एट ऑल. एंड हमने उसके लिए नेबुलाइजर डाला एंड वी गेव हर लाइक विक्स एंड सो मेनी थिंग्स. एंड फाइनली आई थिंक नेबुलाइजेशन और विक्स पूरा लगाने के बाद शी गॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ. तो बीच बीच में दो घंटे सो रही थी. बट दिस मॉर्निंग आई फेल लाइक शी इज़ फीलिंग मच मच बेटर. दैट्स वाई आई कुड सिट डाउन एंड लाइक फिल्म दिस व्लॉग बिकॉज ऑनेस्टली लाइक 6 दिन से मेरा कुछ मन नहीं करा है काम करने के. लाइक आई हैड लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू बट आई वॉज जस्ट नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड बिकॉज मैं इतनी सैड हो गई थी. इतना मुझे बुरा लग रहा था बिकॉज स्कायु इज सो नॉटी, शी इज सो एक्टिव, यू गाइज नो दैट. एंड उसको बीमार देख के उसको लो देख के आई थिंक आई बिकेम वेरी वेरी लो. तो आई एम जस्ट होपिंग कि उसका जो खांसी है वो चला जाए. आई कैन सी ऑलरेडी इट्स गॉटन सो मच बेटर बट इट्स स्टिल देयर एंड आई एम ग्लैड कि उसका फीवर चला गया. बट आई जस्ट होप दैट इट गेट्स डन फास्ट बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि आजकल जो बच्चों को होता है इट ऑलमोस्ट स्टेज फॉर लाइक 8-10 डेज एंड इट्स ऑलरेडी 6 डेज. सो आई जस्ट होप कि ये जल्दी से जल्दी ये वाला जो फेज है वो ख़त्म हो जाए. मुझे टेक द टेम्परेचर, दिस इज थर्मोमीटर. Yes, Mama. What happened, Shunu? What don't you hold it? What is it, Santa? Huh? आई कैन टेल यू आई थिंक 6 दिनों के बाद स्कायु आज थोड़ी सी एक्टिव लग रही है. शी इज ट्राइंग टू इवन प्ले सो आई एम हैप्पी लाइक सीइंग हर प्ले बिकॉज उसको बहुत ऐसा मन करता है खेलने के लिए. बट 6 दिन से शी वॉज नॉट हैविंग द एनर्जी टू प्ले. बट आज उसको एनर्जी है थोड़ी थोड़ी. सो शी इज़ फीलिंग नाइस एंड आई एम फीलिंग हैप्पी सीइंग हर एक्टिव एंड हैप्पी. एंड आज वुमेंस डे है तो लुक आई गॉट अ स्पेशल बुके ऑफ स्वीट फ्लावर्स फ्रॉम निकिता. निकिता को पता है कि स्कायु इज अनवेल एंड आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ अ नॉन स्टॉप. तो वो स्पेशली मलाड से भी ये फ्लावर देने आई है. सो स्वीट, हैप्पी वुमेंस डे शाना, यू आर द बेस्ट वुमेन एंड ग्रेट मॉम. सो स्वीट, सो स्वीट. नाउ व्हाट विल आई गिव यू? नथिंग, यू डोंट गिव मी एनीथिंग. सो स्वीट बिकॉज़ देख मेरी बहन मुझे वुमेंस डे पे ये दे रही है. अरे और पति कुछ नहीं, सिर्फ फ्लावर देने के लिए आई है ये. पति कुछ नहीं,
no gift on women's day, no gift on women's day, no flowers, no kisses, no hugs. Now Nikhil is like, मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ जिससे मैं बच जाऊँ? मैं कुछ नहीं बोल सकता. मैं कुछ नहीं बोल सकता. It's okay. Yeah, he doesn't know all these things. Because actually the truth is कि निखिल खुद भी like me, he is also having sleepless nights and he's stressed. तो क्या बेचारे को बोलूँ? वो support करता है, वो ही best gift है on Women's Day. But this is so sweet. Thank you. Love you. Yes, love you too. What about Skyu? मासी गॉट फ्लावर्स. बहुत बड़ी बात है उसने किया. उसको ये भी दवाई लगी. इसका है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. अरे रुक जा, एक सेकंड में बुके तो देता नहीं. बुके की लाल बाल कर दी तूने. अभी मैं स्मेल कर रही हूँ. ये क्या है? नाइस. अबे खाना नहीं है. स्मेल इट का यू. शी लुक्स सो मच हैप्पियर नाउ. शी लुक्स सो मच बेटर नाउ. लाइक आई टोल्ड यू गाइस, मैंने सीन में एक बार भी कॉफ नहीं किया और अभी कर रही है. नहीं, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया सुबह तब से कॉफी कर रही है. का यू लाइक फ्लावर्स? लाइक फ्लावर्स राइट. आपको पता है स्कायू का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स, माइली साइरस वाला. जब भी वो गाना आता है शी स्टार्ट्स डांसिंग एंड शी बिकम्स सो हैप्पी. शी लव्स दैट सॉन्ग सो मच. और अभी इसका कार्टून देख के खुश चल रही है ये. स्काई गिव मी द फ्लावर. वन रोज फॉर मी. डॉक्टर ने बोला है कि उसको नेबुलाइजेशन दो, उससे जितना भी थोड़ा बाकी है कॉक ऑफ वो चला जाएगा. मेरी अच्छी सामने से की बैठी है. ओह वाओ, स्काई यू इज सच अ स्ट्रांग गर्ल. स्काई यू इज सच अ स्ट्रांग गर्ल. स्काई यू इज सच अ स्ट्रांग गर्ल. स्काई यू सच. स्काई यू हेट्स टेकिंग मेडिसिन. शी हेट्स टेकिंग नेबुलाइजेशन. हम कोई भी दवाई उसके मुंह में ही डाल सकते हैं. इट्स सो डिफिकल्ट. स्काई 2 मिनट्स बेबी, 2 मिनट्स. सो सॉरी. Okay, 10 seconds. 10, 9, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सर बहुत रो रही है. एक सेकेंड बस. ओके नाउ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है चलो. Done. Now Data will do it. Sky. Sky. Sky, you are such a strong girl. And as always, ये मुझसे इसलिए नाराज होती है. तो तूने बहुत अलग स्ट्रेन में रखा, डार्क हो जाएगा. लेकिन डॉक्टर ने तो हम लोगों को बोला है कि नेबुलाइजेशन से ही ठीक होगी. तो क्या करें? यू नो लाइक डू एनी पेरेंट्स रिलेट टू दिस? लाइक एक चीज़ होता है, लाइक डॉक्टर सारा दवाई लिख के दे देता है कि बच्चे को ये दे देना जब वो बीमार रहेगी तो. बट वॉट अबाउट दोज किड्स जो बिल्कुल भी दवाई मुँह में डालने नहीं देते, खाना नहीं खाते एंड इतना परेशान करते. लाइक स्कायू के साथ मुझे और निखिल को लिटरली ऐसे लगता है कि लड़ाई करनी पड़ती है, उसको ऐसे पकड़ना पड़ता है, विच वी हेट डूइंग, ताकि वो दवाई ले. और वो इतनी स्मार्ट है, दवाई भी जब डालेंगे ना मुंह में तो सब जमा करके बाहर फेंक देती है. सो हम लोग को पूछो कि द लास्ट 5-6 डेज हमने कैसे उसके मुंह में दवाई डाला है ऑल द टाइम. पर वो ठीक हो गई उसने तो. और नाउ नो दवाई. पर डॉक्टर ने बोला ये नेबुलाइजेशन दे दो. और नेबुलाइजेशन के लिए भी इतना ड्रामा करती है ये. ऑफकोर्स आई नो शी डजंट लाइक इट कि ये मुझे क्या करे. उसको लगता है कि ये मुझे क्या करे बिना मेरे मर्जी के, बिना मेरे अच्छे से बैठी हो. बट दिस टाइम एटलीस्ट शी सैट बेटर. रात को तो गाइज आइडिया भी नहीं है. लाइक 2-3 बजे रात को वो ऐसा करती है. लाइक शी डजंट लिसन एट ऑल एंड शी क्राइज. ज़्यादा बुरा मुझे और निखिल को लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं. बट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू. अभी डॉक्टर ने बोला कोई दवाई मत देना इसको, ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी. अगर इसका फीवर गया है, कोल्ड भी कम हो गया है, तो बस नेबुलाइजेशन दो, इसका ये जो कॉफ है वो भी निकल जाएगा. सो होपिंग कि बस चला जाए. तो अभी निखिल सोया है और वो हमेशा कंप्लेन करता है स्काई मुझे चिपकती नहीं है. ये देखो स्कायू ने देखा डाडा स्लीपिंग आउटसाइड, तो वो आके पापा के पास लेट गई. स्कायू डाडा स्लीपिंग. Yes.
What are you doing? Dad is sleeping now. Don't do it. Give Kishu to Dada, Kishu. You want to go out? You want to go out for a drive? Let's. Let's go. क्या बोल रहे लेट्स कैमरे से हमने थोड़ी ठीक क्या हो गई तो ऐसा कर लिए ये फाइनली कायू को अच्छा लग रहा है हर कॉफ इज देयर बट शी इज सो मच बेटर तो हमने डिसाइड किया कि वी विल टेक हर आउटसाइड बिकॉज जब निकिता घर जा रही थी शी वाज लाइक मुझे बाहर जाना है शी लिटरली वाज लाइक आउट 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 यू वांट टू गो आउट शी लाइक यस 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 तो हमने बोला चलो उसको बाहर लेके जाते हैं मे बी शी गॉट अ चेंज ऑफ मूड एंड शी विल हैप्पी बिकॉज एक हफ्ते से वो घर पे है स्कूल भी नहीं जा रही है सो देयर इज एब्सोल्युटली नो फन नो मजा तो बाहर लेके जाते हैं लेट्स गो आउटसाइड आई रिग्रेट सिटिंग इन द फ्रंट बाकी मुझे नहीं पता चलो What's that sky? That's a letter X. And in humanity, you don't need any X's. X's are not a nice thing. Nikhil and Happy are twinning. Blue. ये है before BC है after BC. अच्छा देखने का अभी पलट दूँगा गुस्सा है. मत करना यार. ये देखना. कैसे? She'll want that. She's very smart. क्या लुक तो ये आ गया है शैनिस का नया लेंस और ये रही शैनिस See how wonderful you're looking like yeah. this. That's why I love the 50mm lens. और नहीं पता निखिल को क्या हो गया आजकल वो बोलता है कि अब से मैं तेरा कैमरा मैन बिकॉज सब लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि शैनिस ब्लॉग्स नहीं निकालते ऑनेस्टली मैं नहीं निकाल पाती बिकॉज आई एम जस्ट सो ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स सो निखिल अब से मैं ही तेरा शूट करूंगा तो सिर्फ एडिट करके डाल देना तो रेगुलर वीडियोस बनाती है जब मैं बाहर रहता हूँ तब मैं तेरे वीडियोस देखता हूँ आई वाज लाइक वाओ यार शैनिस मेक्स सच अ ब्यूटीफुल Especially yeah. a mother, daughter. I love making vlogs too. लेकिन time crunch हो जाता है. But अब से हमेशा आएगा because Nikhil cameraman के साथ हम रोज vlog करेंगे. तो as you guys can see, इस कायू काफी अच्छी लग रही है. And touch wood, literally वो ठीक हो गई. Like कल रात को जब वापस आए तो उसकी खांसी फिर से बढ़ गई. उसे क्या हुआ नहीं पता. But then मैंने उसको कंजी खिलाया राइस का with हल्दी. And हमने उसको दवाई दिया थोड़ा सा. And she just became All right, throughout the night she slept so well. उसने खासा बिल्कुल भी नहीं आई थिंक शी स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 hours एंड वोक अप फ्रेश तो आई थिंक शी इज रिकवर्ड 99% रिकवर्ड 1% खासरी ठीक हो जाएगी सो ग्रेटफुल टू गॉड पेरेंट्स का बिगेस्ट नाइट मेयर इज व्हेन देयर चिल्ड्रन फॉल सिक एंड जब वो ठीक हो जाते हैं ऐसा लगता है राहत मिल गई Guys, you know, you won't believe, but I'll share a very funny mom story. Like, रोज़ मैं निखिल के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ स्काई का दूध बनाती हूँ एंड उसके बाद में वो लोग क्या होता है एवरी टाइम मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाती है मुझे 2 या 3 बार इसको रीहीट करना पड़ता है अवन में तो अभी आई एम लाइक सारा काम ख़त्म करने के बाद नहाने धोने के बाद आई वाज लाइक मैं सबसे लास्ट में अपना कॉफ़ी पीऊँगी बिकॉज बार बार रीहीट करके कोई मज़ा ही नहीं है कॉफ़ी पीने में बट आई डोंट नो व्हाई ऑल द फूड दैट आई ईट इज़ ऑलवेज रीहीटेड ठंडा हो जाता है मॉम लाइफ और ये जो नेस्कॉफ़ी के डब्बे में सनराइज कॉफ़ी है इतना ज़्यादा कड़वा है बहुत थोड़ा डालना पड़ता है बाय मिस्टेकली इसके अंदर नेस्कॉफ़ी की कॉफ़ी नहीं है सनराइज की कॉफ़ी है बाय मिस्टेकली अगर इसमें ज़्यादा पड़ गया तो इतनी कड़वी कॉफ़ी बनती है आई कैन नॉट बिकॉज आई एम नॉट अ ब्लैक कॉफ़ी पर्सन एनी मोर सो आई जस्ट हेट इट एक और चीज़ बोली थी लाइक दिस मंथ इज़ लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ फॉर मी गाइज आई होप कि मुझे चांस मिले बाय द एंड ऑफ द मंथ टू टेल यू गाइज व्हाट इज़ इट अबाउट पर उस दिन के लिए मैं आई थिंक स्कायू के बॉर्न होने से पहले से रुकी हूँ सो इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग माई फिंगर्स आर लाइक लिटरली क्रॉस्ड आई जस्ट होप दैट इट गोज़ एज आई विश इट टू गो बिकॉज बहुत डिले हो चुका है सो आई कैन नॉट वेट टू शेयर दिस बिग न्यूज़ विद यू गाइज लाइक आई हैव सो मच एक्साइटमेंट सो मच नर्वसनेस एवरीथिंग फॉर दिस